अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, माशियात इकनॉमिक्स की बुक है मेरे हाथ में, और चाहे आपके पास अहमर सीरीज़ हो, फैसल मॉडल हो, व्हाटएवर कोई भी बुक हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, लेकिन मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी चैनल पर, यस मिस आप हमारे जो है हमारे लिए भी कुछ करें। तो बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करती, फिर आप उसको ढूंढते मुश्किल हो जाता, तो मैंने आपकी बुक में ही हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया। तो आज के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, क्लास 10th 8 to 15 चैप्टर जो हैं वो क्लास 8 के हैं, उसके हैं 5th, उसके हैं बच्चे 10th क्लास के हैं। नज़र आ रहा है पैदाइश दौलत और तकसीम, ज़र, बैंक, तजारत, सरकारी और निजी मालियात, आज़ादी के बाद पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और इस्लामिक इक्तसादी निज़ाम। ठीक है, अब मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आप इसी को फॉलो करेंगे। अब इंग्लिश में मैं नहीं दे रही, मेरे पास ये एक ही बुक थी भी किसी बच्चे की से मैंने ली थी, कुछ आप लोगों की बुक्स उसके अकॉर्डिंग उसको मैंने टैग्स बनाकर देना था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देती हूँ। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपडेटेड मॉडल पेपर जो आया था आपने उसको फॉलो करना है, फिर उसके बाद बच्चे आपका जो है क्या कहते हैं जो 40% MCQs के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया है वो भी मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपने करना क्या है, आप लोग गौर करें इधर, आपके पास चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पैदाइशी दौलत जो है पेज नंबर आपको 72 से 82 पे मिलेगा। चलें जी हम आ जाते हैं इधर। अब बच्चे बात यह है कि अगर आप लोगों के पास फैसल मॉडल नहीं है, अहमर सीरीज़ है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है। हर गाइड बुक एक अपनी जगह अहमियत रखती है, आर्ट्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी आपके पास गाइड बुक होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको खोलना है। देखें जी, यहाँ से आपका मैट्रिक का सिलेबस, पैदाइश दौलत और तकसीम दौलत है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। MCQs आपने सारे करने होते हैं, जो MCQs होते हैं ना ये सारे, इसके आंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं हिस्सा बे। आप फर्स्ट चैप्टर पे आपने देखना है, फिर पैदाइश दौलत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सवाल आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, आमिलीन पैदाइश की तारीफ बयान कीजिए और इनके नाम बताने हैं आपने। जस्ट ये आपने पैदाइश दौलत जिन अज्जा के ज़रिए अमल में आता है, यानी आमिलीन पैदाइश कहते हैं, और लेबर, सरमाया, व्हाटएवर जो भी चीज़ें दी गई हैं इनको आपने देखना है। फिर आपने आ जाना है, इस पर नोट आएगा, पैदाइश दौलत के अमल में सरमाया की अहमियत, इस पर एक शॉर्ट नोट आएगा, पर सेक्शन सी का पार्ट कवर करेगा, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएगा, लॉन्ग बयान या सवालात में आएगा। आगे है, अजर किसे कहते हैं, वो शख्स जो अपने ज़ाती मालिया ज़ाती सरमाया से कारोबार शुरू करता है, अजर कहलाता है। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन छोटी छोटी कर लीजिएगा शॉर्ट के लिए। उजरत से क्या मुराद है, उजरत की डेफिनेशन करनी है। ठीक है जी, ये कर लीजिएगा इसमें। अच्छा आगे आ जाइए, खालिस और खाम मुनाफा में क्या फ़र्क है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया और आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इन दोनों में डिफरेंस करना है। अब इस वाले चैप्टर में जो आपका लॉन्ग पार्ट कवर करेगा वो ये है, माशियात ने पैदाइशी दौलत से क्या मुराद है, नेज ये किन आमिलीन पैदाइश के ज़रिए अमल में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ से कवर करना है। ठीक है, मैंने सोचा कि आपको बुक के ऊपर ही एक्सप्लेन कर दूँ कि बोर्ड पर बनाऊँ, और ये तकसीम दौलत से क्या मुराद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका बच्चे ये आपका लॉन्ग में जो नोट का पार्ट कवर करेगा। ठीक है बच्चे, अच्छा आगे आ जाते हैं हम। अब फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, इसी तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट है, ज़र, मनी। इस मनी में क्या है आपके पास, फर्स्ट वाला आपने डेफिनेशन करनी है, प्रोफेसर जो है क्राउथर के अल्फाज में ज़र की तारीफ और फराइज बयान कीजिए इसके। तो यह सिंपल आपका आएगा, ज़र की तारीफ बयान करें, उसकी इकसाम कितनी होती हैं। आपने छोटी सी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखी और उसकी इकसाम में नाम बता देना। अगर वो बोलेगा नाम बयान करें, उस नाम को जो किसी एक को मुख्तसर बयान करें, तो आप जस्ट नाम लिखोगे सिक्के, पेपर ऑफ मनी या क्रेडिट मनी वगैरह। ठीक है, फिर किसी एक को, ये कॉइन को, धातु सिक्के को बयान कर दोगे इस तरीके से। साथ में इंग्लिश में हेडिंग्स दी गई हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग देख सकते हैं। ज़र के वज़ाइफ बयान करने हैं कि मीडियम एक्सचेंज होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ज़खीरा कदर में यार कदर आला मुबादला। ठीक है जी, ये आपने करना है, इसके लॉन्ग में आपने स्किप कर देना, इसमें कुछ भी नहीं आने वाला। इसमें ये आ सकता है, ज़र की इकसाम पर नोट लिखना, ये आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। ठीक है, लॉन्ग में आएगा, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सी में आएगा, जब लॉन्ग बोलूँगी सेक्शन सी में आएगा। ठीक है, नोट आएगा इसके ऊपर, और अगर शॉर्ट बोलूँगी तो समझ जाइएगा सेक्शन बी में आएगा। ठीक है जी, मुख्तसर सवालात में आएगा। और इनके पीछे ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आपकी बुक की एक्सरसाइजेज हैं,
जो सब बुक में मौजूद है, मतलब जो आपकी बुक में होती हैं, और ये तो गाइड बुक है जाहिर सी बात है, तो आपने सारी ब्लैंक ज़रूर करनी है इन MCQs के साथ साथ, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपका इसमें से ही आने वाला है। यहाँ आ जाइए आप, आपके पास चैप्टर नंबर 3 है हमारा, यहाँ बता दूँ मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो बैंक चैप्टर नंबर 3 आपके पास है आपका बैंक, ठीक है। इसके आपने ये जो MCQs करने हैं, आंसर्स मेंशन है, बैंक की तारीफ बयान करनी है कोई भी एक कर दीजिएगा, और बैंक की कितनी एग्ज़ाम होती हैं आपने बैंकिंग एग्ज़ाम बयान करनी है, और किसी एक को बयान करना है। वैसे सेंट्रल बैंक का वो पूछ लेता है कि सेंट्रल बैंक का, देखो इस तरह वो आपसे पूछेगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फ़र्क है, मतलब मरकज़ी बैंक में और तजारती बैंक में क्या फ़र्क है। तो आप ये वाला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। यहाँ आ जाइए, बचत जो है बैंक का क़याम क्यों अमल में आया, ठीक है जी। और आगे आपने बताना है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेविंग मनी सेविंग बैंक, ठीक है। हेडिंग जरी हुई, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर चंद जुमले लिखिए, ठीक है, फ्यू पॉइंट्स लिखने हैं आपने। ये पास अगर इंग्लिश वाली बुक भी होती बच्चे मैं आपको बता देती। पाकिस्तान के तजारती बैंकों में शामिल बैंकों के नाम बयान करने, ठीक है जी। तजारती बैंक में जो है आपके पास क्या है, तजारती बैंक किसको कहते हैं, कमर्शियल बैंक को कहते हैं। कमर्शियल बैंक में जो बैंक शामिल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यूनाइटेड है, मुस्लिम कमर्शियल है, हबीब बैंक लिमिटेड है, लाइट बैंक लिमिटेड है, सारे जो हैं तजारती हैं, कमर्शियल बैंक है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं लॉन्ग में, बैंक की तारीफ बयान करनी है और एग्ज़ाम बयान करनी है और मरकज़ी बैंक के अहम फ़राइज़ बयान करने हैं। ये वाला आपके पास लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, सेंट्रल बैंक को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। ये सवाल कवर हो गया। फिर आ जाता है मरकज़ी और तजारती बैंक में क्या फ़र्क, वही जो पहले मैंने पीछे आपको बताया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई है। और इसकी एक्सरसाइज है आपके पास, ये देखें बीच का जो इसकी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी उसके पीछे भी ये वाली ब्लैंक्स मौजूद होंगी, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। बैंक से मुराद इदारा जो आम लोगों में अमानतें वसूल करता है, बैंक ज़र का कारोबार करता है, पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तजारती बैंक तजारती मकासद के लिए, सनअती बैंक सनअती मकासद के लिए काम करता है, कर्ज़ फराहम करता है, बचत बैंक के काम मुल्क के तमाम डाकखाने भी सर अंजाम देते हैं, सही है, बाकी सब देख लीजिएगा यहाँ से। अच्छा जी, आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर ट्रेड, ट्रेड मतलब तिजारत, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रेड और तिजारत। अच्छा जी, इस तिजारत में MCQs आपने करने हैं, इसका कोई सवाल मतलब इतना ख़ास इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। ये वाला है पाकिस्तान की अहम दरामदी अशिया कौन कौन सी हैं, ये आएगा, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाले की बात हो रही है, और अहम बरामदात कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, ये सवाल आएगा। और यहाँ आ जाइए, आपको जो मैंने जितनी चीज़ें मैंने बताई अगर आप ये कर कर चले जाएँ मॉडल में इंशाल्लाह 100% कवर हो जाएगा। इसका भी आपने ये जो आपकी एक्सरसाइज में खाली जगह सवाल नंबर 5 है, कि दरसी किताब का मतलब ये होता है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसके पीछे मश दी गई होती है, उसकी जो ब्लैंक्स होती हैं ये वो सॉल्व है, ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाइए सरकारी और निजी मालियात मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। इसमें आपने क्या करना है, MCQs आपने सब करने हैं बच्चे। MCQs के साथ साथ आपने देखे क्वेश्चन करना है, बजट से क्या मुराद है, और हुकूमत कर्ज़ा क्यों लेती है, ये वाला सवाल पहले पीछे भी आ चुका है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला आएगा, शॉर्ट में आएगा ये वाला, निजी और सरकारी मालियात का फ़र्क बयान कीजिए, ये आएगा। और लॉन्ग में आएगा मरकज़ी हुकूमत के ज़र आमदानी के खराजात, ये आपके पास मॉडल पेपर में भी आया हुआ है सवाल, ठीक है जी। अब आ जाइए, सरकारी कर्ज़े से क्या मुराद है, सरकारी कर्ज़े की इकसाम बयान कीजिए। अगर शॉर्ट में आता है तो आपसे पूछेगा सरकारी कर्ज़े से क्या मुराद है, और लॉन्ग में आएगा तो बोलेगा सरकारी कर्ज़े से क्या मुराद है, सरकारी कर्ज़े की इकसाम बयान करें और किसी एक के बारे में बताएं। अगर एक के बारे में भी आया शॉर्ट में, ये देखिए मॉडल पेपर में इस तरह आया हुआ था कि सरकारी कर्ज़े से क्या मुराद है और सरकारी कर्ज़े की इकसाम बयान करें, तो यहाँ से आप सीधा सरकारी कर्ज़ा करोगे, इसकी इकसाम के नाम लिखोगे, ये अनप्रोडक्टिव पब्लिक डेप्ट एंड प्रोडक्टिव पब्लिक डेप्ट, ठीक है, ये करके किसी एक के बारे में बयान कर दोगे, बस यहाँ तक मैंने लिखा भी, बस यहाँ तक करना है। एक्चुअली बच्चे की बुक है उसने मुझे दिया था कि मैं गैस बना दें, फिर मैंने उसके लिए मार्क किए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी बच्चे शेयर कर दूँ ताकि तमाम बच्चों का भला हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की इकतसादी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। MCQs आपने सब करने हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, सारे ही करने हैं। अच्छा आ जाइए, पाकिस्तान की मशहूर 5 सनतों के नाम लिखने हैं, पाकिस्तान की ज़रिए पसमानदगी के असबाब तहरीर करने हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने सनअती तरक्की में कौन कौन से इकदाम किए हैं, ये वाला सवाल इम्पॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है इस वाले में, तो हम इसको स्किप करते हैं। अच्छा, हुकूमत ज़रात की तरक्की में जो इकदाम किए हैं, अगर करना चाहें तो अभी वाला सवाल कर लीजिएगा, हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रात की तरक्की, तो इतना बस इस वाले सवाल चैप्टर में से ये सवाल आएगा।
निज़ाम हकीकत अराजी से क्या बताते हैं, शॉर्ट में आएगा और ये नोट बनकर आएगा, नोट भी आ सकता है इसके ऊपर बस, ठीक है, नोट भी आएगा और शॉर्ट में भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको लिखना है बस। अच्छा जी, सनअती तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं, सनअती ज़राती तरक्की नहीं, सनअती तरक्की के लिए, ये वाला सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। फिर आ जाता है इस्लामी इक्तसादी निज़ाम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें आपने क्या करना है, आपने वाले MCQs करने हैं सारे। तो शॉर्ट में इसमें इस्लामी निज़ाम मईशत की अहम खसूसियात मुख्तसर बयान कीजिए, ज़कात के मकासद मुख्तसर बयान कीजिए, ये आएगा। फिर उशर से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन करनी है, और तीन शराइत बता दें उशर की, ये तीन आपने बतानी है। इंशाल्लाह 100% पेपर आपका इसमें से लगेगा, अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो उसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह तारा पेपर आपका इसमें से ही आएगा, ठीक है बच्चे। वैसे उशर पे और नफ़ा वगैरह पे वो नोट भी दे सकता है, वो आप उनकी अपनी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाइए, फिर आपके पास लास्ट में बच्चे यहाँ पे आएगा ये वाला, इसकी भी एक्सरसाइज दी गई है हमारी ना, इस्लामी निज़ाम में रोज़गार के मौके फराम करने की ज़मानत दी गई है, डैश की तकसीम के ज़रिए माल जमा करने की नफी की गई है, ज़कात और विरासत, ज़कात इस्लाम में से एक रुकन ज़कात है, ज़कात एक ऐसा दीनी फरीज़ा है जो इज्तमाई मफाद के खातिर अदा किया जाता है, नाबालिगों की जायदाद पर ज़कात अदा नहीं की गई, नहीं की जाएगी, उस सदाकत का एक रुजू है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया, इन चैप्टर में से जो आपके पीछे एक्सरसाइज में काफ़ी चैप्स दिए गए, तो आप इनको भी फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बच्चे। साथ साथ आपके पास जो आपका 10 ईयर पेपर मौजूद है, या उसमें यूसुफ का आजकल बड़ा बेहतरीन 10 ईयर पेपर चल रहा है, उसको आप देख लें, फॉलो करें। आर्ट्स के सब्जेक्ट का तो यही है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे हाथ का इंशाल्लाह ताला आपका पेपर इसमें से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह 100% आ जाएगा। दुआओं में रखें, याद मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों का आपका मॉडल पेपर भी एक दफ़ा दिखा दूँ, आप उसको भी देखें, फॉलो करें, जज़ाकअल्लाह। मैं आप लोगों का मॉडल पेपर दिखा देती हूँ, इस पूरे मॉडल पेपर में 40% आपका MCQs होगा, जो पैटर्न पेपर आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो आपने इस पैटर्न पेपर को फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनकर आएगा, तो आपने तो ज़रूर करना है। देखिए, इंग्लिश में भी मौजूद है और इसमें उर्दू में भी मौजूद है, ठीक है बेटे, आप इसको फॉलो करोगे। देखो, अगर आप इंग्लिश की बात करते हो, इकोनॉमिक्स जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये देखें सामने इकोनॉमिक्स क्लास 10th, ठीक है, प्राइवेट हो या रेगुलर स्टूडेंट, जो आपका तमाम सेक्शन सी है और बी है, सेक्शन सी 20% होगा, ठीक है, 40-40-20 का रेशो होगा। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, देखें माशियात में पैदाशी दौलत से क्या मुराद है, ज़र की अहमियत, स्टेट बैंक, ये वाले सवाल आपने सारे करने हैं जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट यही भी हैं। और साथ में देखें तीन आपके पास इस तरह 5-4 सवाल आएंगे, आपने दो करने होंगे, ठीक है, किसी भी हुकूमत पाकिस्तान के ज़रा आमदानी के अखराज भी है, मरकज़ी बैंक अहम फ़राइज और इस तरह नोट, ठीक है जी। तो आप इसको भी फॉलो करोगे, और साथ साथ जो मैंने अभी आपको लॉन्ग बताया है, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ईज़िली आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे पेज, जो ऑलरेडी पहले भी मैं आप लोगों को वीडियोस बनाई थी, तभी मैंने आप लोगों को दे दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है बेटा जनरल साइंस होगा। मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह।